तो जीत की खुशहाली में चलिए सबसे पहले मुंह मीठा कराते हैं हमारे धर्म पत्नी की। अरे इसमें तो बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ड्रेस काफी अच्छा है, अब पसंद करना है तुमको। ये पूरा बैक में नमस्ते राधे राधे, आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 10, तो आप सबको प्यारा भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों जैसे कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे हैं कि हम लोग विजय भाई का घर गए थे और विजय भाई का घर में 2 दिन रहे आशा को छोड़ के, है ना। ये काफी हमसे नाराज है और जैसे हम सबों का प्यार जीत हुआ, मतलब हम सबों का जीत हुआ एक प्रकार से, क्योंकि विजय भाई को सब कोई जो है ना दोषी ठहरा रहे थे कि नहीं विजय भाई गलत है। हम लोगों को बहुत सारा कमेंट आ रहा था दोस्तों, हम लोग काफ़ी दुखी हो रहे थे कमेंट देखकर, लेकिन विजय भाई का वीडियो था, उनको अपने चैनल में डाला था तो उन्होंने सारा वीडियो डाल के स्पष्ट कर दिया होगा। आप सबको पता भी चल गया होगा कि आखिर जो है हम लोग गलत नहीं थे, मतलब विजय भाई गलत नहीं थे, अंकुश भैया ने उनको गलत उनके साथ बिहेवियर किया था। लेकिन खैर छोड़िए, इतना होता है दोस्त यारी में, हो सकता है वो मजाक में भी किए होंगे, लेकिन विजय भाई को गलत लगा था और हम लोग इसलिए बीच में कूदे दोस्तों। आप लोग बोल रहे थे कि आप लोग बीच में क्यों कूदे, हम लोग इसलिए कूदे दोस्तों क्योंकि विजय भाई हम लोग के दोस्त है, गुरु है, यार है, मित्र है, तो उनका अगर बुरा होगा तो हम लोग को उनका साथ देना लाजमी है, जरूरी है ना, इसलिए हम लोग ऐसा किए थे। बाकी चलिए इसी खुशी में आशा को एक मीठा खिलाते हैं। खाई 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 खाई, ये पूरा खा जाओ। ये है ये, वैसे कौन सा मीठा है? बहुत अच्छा, ये बहुत टेस्टी मीठा है, बहुत दूर से आया हुआ है ये मीठा, छेना का है। हाँ, बिहार में हमारे एक मित्र रहते हैं, वो देके भेजे हैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों सुबह का नज़ारा देखे, अभी दिखाते हैं आप सबको, 10 बज गया लेकिन अभी तक जो है सूरज बढ़िया से उगा नहीं है। और अभी भैया जो है ना तुरंत देखिए, आप सबको वीडियो दिखा नहीं पाते हैं लेकिन आज पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि जब गांव घर की बात है दोस्तों तो आप सबको दिखाते हैं। देखिए बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर कमेंट किए हैं कि आप पूरे गांव को नहीं दिखाते हैं। देखिए हम गाय, ये हम लोग का खुद का गाय है, ठीक है। तो ये बछड़ा जो है फिलहाल लगभग 1 महीना हो गया है इनका जन्म दिया हुआ मैं हमारे घर में, और अभी जस्ट इसको जो है ना भैया दोहे हैं। चले दिखाते हैं कि दूध ये जो है ना ये गाभिन है, मतलब ये भी कुछ दिन में बच्चा देगी, ठीक है। गाय का जब बच्चा आएगी ना देगी, उस समय आप सबको दिखाएंगे कि बच्चा क्या है। और देखिए दोस्तों उस ये जो गाय गोबर देती है ना उसका हम लोग उबले बनाते हैं, देखिए इसे उबले बनाते हैं। और ये देखिए इसको हम लोग गोइठा बोलते हैं गांव घर में, तो ये देखिए गोइठा, ठीक है। ये देखिए गोइठा, इसको जब सेकते हैं ना इसी से हम लोग लिट्टी वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप सबको दिखाते हैं कि अभी हम भैया जस्ट दूध दोहे हैं और दूध दो के हम लोग कैसे जो है इसको गर्म करते हैं एकदम ओरिजिनल दूध, ठीक है। और हम लोग इधर जो बनाए लगाए थे ना, देखिए ये धनिया पत्ता, ये देखिए गाय खा गया था धनिया पत्ता, देखिए पालक भी पूरा खा गया, और हम लोग थे नहीं ना दोस्तों, और देखिए पूरा खा गया है। ये बैगन भी कुछ दिन के बाद जो है ना फलना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए तुलसी का पौधा सब कोई अपने अपने घर में रखते होंगे, आप लोग भी, आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा घर में जो है लाल तुलसी है, ठीक है। ये देखिए तुलसी का ये बड़ा सुंदर है पौधा, बड़ा अच्छा है, ठीक है। और हम लोग पूजा पाठ में भी यूज करते हैं तुलसी का पत्ता, से चाय भी बना के पीते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों अभी लकड़ी से दूध गरम कर रहे हैं और गरम गरम दूध पीने का मजा कुछ और है। जैसे आप लोगों को बताया था ना उपले मतलब गोइठा से, ये गोइठा बांस लकड़ी सब मिला के इसको आग लगाए हैं और ये दूध गरम हो रहा है। सो दोस्तों हम लोग जैकेट वैकेट पहन लिए हैं, आशा पहन लिए और आशा रेडी भी हो गई है, देख रहे हैं ना ये रेडी हो गई है, क्योंकि आज हम लोग को जाना है थोड़ा मार्केट, बहुत सारा सामान लेना है। और चलते हैं दिखाते हैं आप सबको कि क्या सा क्या क्या सामान ले रही है, और समय भी काफ़ी हो गया है और सूरज 2-3 दिन से उगा ही नहीं है हमारे साइड में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपके साइड में सूरज उगा है कि नहीं उगा है, ठीक है। तो आशा रेडी हो गई, चलिए दिखाते हैं, ये है ना। हाँ। तो चलिए सीधा हम लोग लेके चलते हैं, बाइक से चलना है और जल्दी आना है क्योंकि रात भी हो जाएगी, बहुत सारा सामान लेना है और लेडीज का तो आप जानते ही हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अभी आरव के पापा बाइक निकाल रहे हैं और हम लोग जाएंगे आज बाइक से ही मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग को जाना है मेन रोड जो काफी भीड़ भाड़ रहती है और वहाँ बाइक चलाना बड़ा कठिन है। तो ये देखिए दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड भी है और भीड़ भी बहुत ज्यादा होने वाला है।
तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सेंटर मार्केट, जहाँ से हम लोगों को करना है शॉपिंग। और यहाँ है आरव के पापा, बाइक लॉक कर लिए। हाँ, तो फिर चलते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले कैब, क्योंकि हमको लगा है बहुत ज्यादा ठंड, तबीयत खराब ही है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं कैप की दुकान में, और सबसे पहले इनको हम खरीदने वाले हैं कैप इनके लिए, क्योंकि हम लोग बाइक से आए हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अच्छा लग रहा है देखने में, टोपी मेरा फेस छोटा दिखता है। अच्छा है ये आपका जैकेट के साथ सही लग रहा है, हाफ वाला नहीं। तो ये है इनका फाइनल लुक, पहचान में नहीं आ रहे लेकिन सही है, हवा से बचाएगा। कितना हवा भी यार चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे ले रहे आरव के पापा टी शर्ट, और इनका सही है, मतलब ना चेंजिंग रूम की जरूरत है ना। ये चुरा होते हाँ ये सही है। नहीं नहीं, हम बोले उनको कि बाइक से कहाँ उड़ रहा है। तो यहाँ और ये कुछ गुफ्तगू की डिसाइड किया जा रहा है कि आखिर हम लोग कौन से स्टॉल में क्या खाएं। हम चुपके चुपके आप लोग का वीडियो बना रहे हैं। इतने सारे स्टॉल्स घूमने के बाद फाइनली इन लोगों को पसंद आया अंकल जी का गुपचुप। तो अभी कंपटीशन करेंगे क्या? जी जी, चलो। वाह वाह वाह, आज आप फूडी ब्लॉगर बन गया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा होगा कि लड़की खड़ी है और लड़के लोग गुपचुप खा दे। এটার কোন কালার আছে কি? নাই, একটা আর ডিজাইন আছে এটা। এটা তো একদম পার্টি ওয়্যার। উনি আপকে কল কো না না, এটার তো বেশি হেভি আছে। উনি আপকে। তো ফাইনালি দোস্তো, हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत सारा सामान भी लेके आए हैं, खाने का भी कुछ कुछ सामान लेके आए हैं आरएफ के लिए। छोटा बाबू को हम लोग लेके नहीं जा पाए, काफी ठंड था दोस्तों, इसलिए हम लोग लेके नहीं गए हैं। बाद बाद के आप सबको दिखाते हैं हम लोग क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सबको दिखाएं कि हम लोग नहीं लेके गए थे बच्चा लोग को, इसलिए बच्चे लोग लेके लिए लाए हैं मोमोज और साथ में चॉप, गरम गरम चॉप भी लाए हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग जो है हरा चटनी नहीं खा सकता था, ये हम लोग अपने लिए लाए हैं। तो ये है रेड चटनी हमारे लिए और व्हाइट चटनी, ये व्हाइट चटनी। अरे रेड चटनी खा पाएगा, देखते हैं। छोटा बाबू तुम कौन चटनी खाएगा जल्दी बताओ? व्हाइट चटनी। ये कौन सा कलर है? पिंक कलर। मेरे छोटा बाबू का हर चीज में पिंक कलर पसंद है। और राजवीर भैया, आपको कौन सा कलर चटनी चाहिए? व्हाइट चटनी। ठीक है, तो हम लोग, और पता है ये कौन सा मोमोज है? ये है पनीर मोमोज। सो गाइस दिखाते हैं और क्या क्या है। तो लाए हैं आरव के लिए हम लोग जूता, स्कूल का जूता। ओके, पृथ्वी के लिए। अब वो मुंह से इसको पता चोट लग गया, हम लोग नहीं थे तो। हाँ, कहाँ पे चोट लगा है बेटा? ये पे। अरे यहाँ पे चोट लगा, इधर लगा है क्या? नहीं नहीं, वो सुने हम कि वो सब्जी का जो टोकरी रहता है ना, जिसमें सब्जी रखते हैं सब अपने किचन में, तो उसी टोकरी को ना ये अपने दांतों से काट दिए। और तो ये क्या है? ये वो मेरा फेवरेट। बहुत सारे सिंगार की चीजें खरीदे हैं जो आपने ब्लॉग में देखा, वो चीज भी आप सबको दिखाएगी आशा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कैसे आरव टूट पड़ा है मोमोज में। आरव, राजवीर, छोटा बाबू, और आप क्या कर रहे, ब्लॉगिंग देख रहे हैं क्या?
तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हम लोग कल रात में आए थे और काफ़ी लेट हो गई थी, और मेरा आरव भी स्कूल था सुबह, इसलिए हम लोग सोचे कि ज़्यादा देर तक हम लोग जो है नहीं जगते हैं, और बच्चा को सुला के हम लोग सुबह स्कूल भेज दिए हैं दोस्तों। अभी ना रात में सुलाए बच्चा को ना, और सुबह ही स्कूल भेज दिए हैं। आरव को स्कूल भेजने के बाद हम लोग सारा चीज़ स्टार्ट किए हैं। मेरा छोटा बाबू भी देखिए क्या खा रहा है, देखिए और चोकोपाई। तो सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आप सबको दिखाते हैं कि आखिर हम लोग क्या क्या खरीदे हैं और क्या क्या मार्केटिंग हुई है। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा चीज़ अच्छा लगा और कौन सा चीज़ सबसे खूबसूरत है। हाय हो गया बेटा, सब हाय कर दिया। आप पापा को नहीं देगा? हाँ देगा। अरे मम्मा खिला रहा है, पापा को खिला क्या फिर मम्मा? नहीं 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 नहीं, नहीं खिलाओ तुम, मम्मा को ही खिलाओ। तुम पापा से प्यार करता है कि मम्मा से? मम्मा से। मम्मा से? हाँ, तुम मम्मा से प्यार नहीं करता है। आप पापा से नहीं करता है बेटा? मम्मा पापा दोनों से। हैप्पी बर्थडे हाथ से कर रहे हो? टूट जाए। अरे 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 अरे, ये हैप्पी बर्थडे कर रहा है। खा के देखो अच्छा लगे। देखो क्रीम, जल्दी खाओ, जल्दी। आज छिपा मत। अरे छिपा रहा है। सो दोस्तों, चलिए आप सबको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या मार्केटिंग किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, जो कि हमने कल किया था मार्केटिंग, वो सारे सामान हम आपको दिखाने वाले हैं। और आज सारा शॉपिंग शायद मेरा ही हुआ है, आरव के पापा का, आरव का और बुग्गू का अभी पेंडिंग में है, क्योंकि हम लोग को एक फंक्शन में भी जाना है, किसी चीज़ की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या खरीदा है, तो शुरू करें। दिखा देगा। तो सबसे पहले आप मेरा ये थोड़ा ज्वेलरी देख लीजिए। अरे रुक जाओ, अभी वो सब मत दिखाओ, पहले मम्मा का देख लेते हैं बेटा, उसके बाद तुम्हारा देखेंगे। हाँ हाँ, मैंने लिया है। हाँ। जैसे मैंने ये साखा पहना ना, तो मेरा हाथ में पोला वो नहीं था, वो एक मतलब थोड़ा चटक गया था, तो अच्छा नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और अभी हम इसको पहन भी लेते हैं। मम्मा तो हम पहन ली। हाँ ठीक है, पहले रुको। और फिर ये मैंने लिया है, बहुत ही हटू थोड़ा, अब बेटा साइड हो जाओ। एक मैंने लिया है, ये बहुत ही प्यारा सा मंगलसूत्र। वाह 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 वाह, छोटा तालू बजा रहा है। वाह वाह वाह, ये आप देख सकते हैं। रुको बेटा, ये देख, एक सेकंड एक सेकंड, इसका डिजाइन दिखा रहे हैं ना। हाँ, एक सेकंड बुकू, एक सेकंड बेटा, तोड़ दिए जाओ। नहीं नहीं, एक सेकंड प्लीज प्लीज। तो ये एक मैंने लिया है, और एक मैंने ये पहना हुआ है, ये वाला, ये भी ली थी। हाँ अच्छा ठीक है, इसका डिजाइन। मम्मा तुम्हारे ऊपर मैं कुछ भी खरीदो, बुग्गू हमको पहले ही पहना देता है। और ये मैंने लिया है एक पायल, ऐसे तो चांदी की पायल है, लेकिन फिर भी मैंने ये लिया। रुको, अच्छा रुको एक सेकेंड। तो ये मैंने लिया है चांदी का पायल, प्लीज कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा है, और इसमें ज्यादा घुंघरू नहीं है, इसको घर में पहनने में अच्छा लगेगा, पहनने की तरह बहुत खूबसूरत दिखेगा। अच्छा अच्छा है ना बेटा, बैठो ना बेटा, एक बार पहन के देखो ना कैसा है। अरे पायल तुम पहन लिया बेटा, अरे तुम लड़की है। अच्छा है, आप कौन हो? नहीं मम्मा नहीं, आपका नाम क्या है? अच्छा पहले बताओ आपका नाम क्या है। रुको रुको एक सेकंड, आपका नाम क्या है? पैर में पहनते बेटा इसको। हाँ चलो जल्दी 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 दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ यार। ये एक मैंने नोज पिन लिया है। हाँ हाँ, इतना छोटा। मेरा लकी।
और ये मैंने इयररिंग भी लिया है। अभी मैंने सब कुछ ना लगभग वो गोल्ड गोल्ड कलेक्शन जैसा ही लिया है, गोल्डन गोल्डन में, क्योंकि गोल्ड नहीं है तो कम से कम गोल्डन कलर होना चाहिए। चलो चलो ठीक है ठीक है, मतलब बहुत सारे सामान लिए हो, जल्दी जल्दी। और मैंने ये लिप कलर भी लिया है दोस्तों। अच्छा, ये लगभग वाइन कलर का है। दिखा, इधर दिखा आगे करके। हाँ ठीक है। अरे ये देखिए छोटा बाबू। ये सैंडल मैंने लिया है जो कि छोटा बाबू पहले ही पहन चुका है। और ये सैंडल दिखा दे सबको। गिराए नहीं, ठीक है। केक सब इधर कर दिया ना। और अब हम दिखाते हैं आपको मेरा ड्रेस। इसके लिए हम क्या करें, बेड में खड़े हो जाए। कोई नहीं, दिखा। तो जैसे कि ये है मेरा सूट, सब रेडीमेड है, पैंट है, इसमें दुपट्टा है। तो ये हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। ठीक है। और सबसे अच्छा ना इसका दुपट्टा है। ये देख सकते हैं, ये बहुत शाइनिंग है, ऐसे शाइन करेगा। और हाँ, दोस्तों को दिखाएंगे और रात में भी ये शाइन करेगा। देखिए दोस्तों को ये दिखाएगा। वाह बेटा वाह। रखो उधर, रख बाकी पहन के दिखाए सबको। और मैंने एक ये लिया है जिसको आप नायरा कट ड्रेस बोलते हैं। तो ये अच्छा है, अच्छा है। हटो ना बेटा, छोड़ो, दिखाने दो, दिखाना। दिखाने दो दोस्तों को। ये देखिए अच्छी है। चलिए चलिए, अच्छा है, अच्छा लगे। ये छोटा बाबू दिखा रहे हो क्या? अच्छा अच्छा। और ये रहा इसका पैंट और ये दुपट्टा। और मैंने एक और चीज लिया है, शॉपिंग किया है। दिखाओ दिखा। तो ये देखिए ब्लाउज का डिजाइन बहुत ही सुंदर है। ये उल्टा हो गया। हाँ, ये पूरा बैक में आएगा। कैसा दिखेगा मेरे ऊपर? पहली बार मैंने ग्रीन कलर की साड़ी ली है। अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। और बाकी रहा ये जो स्लीपर मैंने लिया है, क्योंकि इतना सारा शॉपिंग हुआ है तो हो गया ना, हो गया ना। छोटे बाबू और आरव के लिए हमने ये लिया हॉलिक्स, और बाकी चॉकलेट वगैरह कुछ कुछ लिए थे, ये लोग रात में ही खा गए। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि आशा कितना ज्यादा शॉपिंग की है। मेरे लिए कुछ भी नहीं लिए है, जो कुछ लिए सारी अपने लिए लिए है। ना बच्चे के लिए कुछ लिया है, खैर कोई बात नहीं है, लेने जाएंगे। अभी जो है ना इसी का समय चल रहा है, और फिर हमारा आएगा समय, है ना, कि अपना टाइम आएगा। अब इसका टाइम चल रहा है ना, अपना टाइम आएगा। तो दोस्तों वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय करते बेटा।